श्री साई जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय 9 कथा मेरे शिरडी के साई नाथ की। लक्ष्य भी है मंजर भी है चुभता मुश्किलों का खंजर भी है, प्यास भी है और एक आस भी है, ख्वाबों का उलझा एक एहसास भी है, रहता भी है सहता भी है, बनकर दरिया सा बहता भी है, गिरता भी है संभलता भी है, सपने फिर भी नए बुनता भी है। ओम साई राम। स्वागत है आपके अपने चैनल साई जीवन माला पे। तो मैं हूँ राम गुप्ता। तो आज हम आपको श्री साई ज्ञानेश्वरी का नवम अध्याय का नवम शब्द संवाद बता देंगे, उसके बाद कल से ज्ञान अध्याय एक प्रारंभ किया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी प्रार्थना कर लीजिए कि साईं बाबा इस महामारी से संसार की रक्षा करें, क्योंकि हम यह महाग्रंथ का पाठ बाबा की द्वारिका माई में बैठकर शिरडी के साईं बाबा को सुना रहे हैं, ताकि बाबा संसार में फैली इस महामारी से सभी की रक्षा कर उनके जीवन में सुख शांति समृद्धि लाएं। और मैं सभी साईं भक्तों के लिए प्रार्थना करता हूं जो कमेंट करते हैं, बाबा उन सबका भला करें और सभी पे अपनी अपार कृपा बनाए रखें। आप सभी आज क्या करें, आप अध्याय सुनने के बाद घर में 2 अगरबत्ती जलाएंगे और 2 अगरबत्ती बाबा के पास जलाएंगे और बाबा से बोलेंगे, 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे आप कि बाबा संसार में फैली इस महामारी से सबको मुक्त करो, बाबा सभी के परिवार की रक्षा करो, बाबा सब पे अपनी कृपा बरसाओ। और बाबा का इस महाग्रंथ का आप पूरा पाठ सुनेंगे, बीच में ना छोड़ेंगे, कृपया ये प्रार्थना भी स्वीकार कर लें। चलिए शुरुआत करता हूँ नवम संवाद का, कि नवम अध्याय फलश्रुति है। श्री साई ज्ञानेश्वरी श्री साई की प्रेरणा से रचित है। इस ग्रंथ के पढ़ने से ही साई का चित्र आँखों के आगे उभरता है। हर ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक प्रयाण करने पर मनोवांछित फल देता है। श्री साई ज्ञानेश्वरी भी भक्तों के लिए कल्पतरु है, कामधेनु है। इसकी शीतल छाया में शांति पूर्वक बैठकर ध्यान करने एवं मनन करने की आवश्यकता है। यहाँ विधि पूर्वक एक निश्चित समय तक ग्रंथ का नियमित प्रयाण करने के विषय में उल्लेख है। साथ ही ग्रंथ प्रयाण पूर्ण होने पर फलश्रुति का भी संकेत है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 9 का संवाद खत्म हुआ। अध्याय 9 में फलश्रुति है, मतलब आप जो भी पाठ कर रहे हैं सुन रहे हैं आखिरी में बाबा से फल की प्राप्ति करेंगे, जो बाबा हमें देंगे हम उसे स्वीकार करेंगे, जैसा भी फल रहेगा हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो चलिए कल से अध्याय 1 का प्रारंभ चालू करेंगे। आप सभी कल तैयार रहिएगा, श्रवण करने से पूर्व आप सभी घर में आप हो सके तो जब भी बाबा की इस महाग्रंथ का पाठ सुन रहे हैं, क्योंकि कईयों के पास बाबा की इस महाग्रंथ का बुक नहीं है, तो आप जब शुरू करते हैं 2 अगरबत्ती घर में जला देंगे और बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा मेरे घर की रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो और मेरे भारत की रक्षा करो, इस संसार की रक्षा करो। बस मिलते हैं, ओम साई राम।